हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक लाइव सेशन में आया हूं। ऐसा लगता था जैसे लाइव सेशन करना भूल गया हूं, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करता हूं। तो सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो मिराज भाई, पहले तो आपको मैं बता दूँ कि जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं, ये सारी कंप्लेंट्स जो हैं इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका अफेक्टेड है। और आई होप कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़रूर टेस्ट कराएंगे, और अगर उसमें कोई कमी आएगी तो उस कमी के हिसाब से फिर देखेंगे। एनोनिमस काइंड, देखिए ये जो समस्या है ना, ये पर्सनल होती हैं, और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो आपकी एज ग्रुप मुझे महसूस हो रही है, आई होप कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से हो। जो मैंने वीडियो एक बनाई थी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे बढ़ाएं, कृपया उसे देखिए, उसे फॉलो करिए, तो अपना टेस्ट कराइए, जो कमी आएगी उसमें आपको इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। नितिन अनुजय, कैन यू टेल मी टेल द पोटेंसी ऑफ लाइकोपोडियम फॉर ईडी एज इज 45। सर ऐसे पोटेंसी कैसे डिसाइड होती है मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ फिर भी आप लेना चाहें तो 30 पोटेंसी में लीजिए, इम्प्रूवमेंट आएगा। अवध नारायण दीक्षित, कैन यू अपलोड ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट। हाँ श्योरली अवध नारायण दीक्षित जी, नमस्कार। अभी बहुत जल्द आपको एक वीडियो ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के ऊपर मिलेगी। अभी रिसेंटली अभी कल आपको एक वीडियो मिलेगी शाटेगा के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली, और एक और वीडियो मंडे में जाता है कि मैं कोशिश करूँगा मैं जो है प्रीमियर कर पाऊँ, वो भी एक बहुत अच्छी वीडियो है कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो प्रोस्टेट मेरी लिस्ट में है, मेरे को लगता है कि विद इन अ वीक आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगी। एनोनिमस काइंड हो जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन तो एनोनिमस काइंड भाई साहब सिर्फ इतना सा ही है कि जो कमी है आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चेक कराएं, अगर कम होगा तो उसके हिसाब से दवा खाइए। अश्वगंधा एक बेटर मेडिसिन है। आप बिथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा क्यू को अगर 10 बूंद सुबह शाम भी लेंगे और एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट का ध्यान दे रहे हैं, अपनी मानसिकता सुधार रहे हैं और थोड़ा सा मन को कंसंट्रेट करके किसी चीज़ के ऊपर फोकस करके काम करने की कोशिश करेंगे तो ये सब दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। वेरिकोसिल की दवा बताइए मोहम्मद नईम साहब, वीडियो पूरा पड़ा हुआ है। अब अगर आपको वेरिकोसिल है तो बिना आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखे दवा कैसे बताई जाए ये मुझे नहीं आता है, माफ करिएगा। थॉमस डिसूजा जी, हेलो डॉक्टर चक्षु, हेलो थॉमस डिसूजा जी। इज देयर अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर ओल्ड एज मेमोरी लॉस? सर कॉम्बिनेशन की जरूरत क्या है, जिंगो बिलोबा इज अ वेरी गुड रेमेडी, आप उसे यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपका मेमोरी लॉस हो रहा है ओल्ड एज में तो देखिए पहली बात तो इट इज़ वेरी कॉमन, अगर आप उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आई मस्ट से कि आप ब्राह्मी को यूज़ करिए, और ब्राह्मी मदर टिंचर अगर आप 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग इवनिंग जिंगो बिलोबा 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग इवनिंग ले रहे हैं इट इज़ मोर देन सफिशियंट। धात की समस्या की ट्रीटमेंट बताइए भैया, AMKR आप जो भी हैं, बहरहाल धात के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हाँ मतलब आप मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि अगर आप कुछ अच्छी दवाइयाँ लेना चाहते हैं होम्योपैथी के अंदर, एज के अकॉर्डिंग R41 वर्सेस डेमिया प्लांट का वीडियो देखिए, उसमें आपको जो ठीक लगे अपने हिसाब से देखिए। मोहम्मद भाई साहब कह रहे हैं एंग्जाइटी पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है, वीकनेस बहुत है, मास्टरबेशन की हिस्ट्री है, फियर ऑफ डेथ बहुत है, तो गैस बहुत बनती है। भैया बड़ी सारी परेशानी है आपको, फिलहाल के लिए तो अर्जेंटन नाइट्रोकैम एक बेटर दवा है, आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा, 200 पोटेंसी में सुबह शाम ले सकते हैं। अवध नारायण दीक्षित जी कह रहे हैं थैंक्स डॉक्टर, अरे प्लेजर इज ऑल माइन सर, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो बनाना, लेकिन देखिए मेरा एक बहुत सीधा सा ओपिनियन है कि जब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना तो आप लोगों को लगता होगा सिर्फ आप लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जो पास आउट डॉक्टर्स हैं जो अब डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे स्टूडेंट्स, वो भी वो वीडियोज़ देखते हैं, उससे सीखते हैं, और जो फीडबैक मेरे को आप लोगों के थ्रू मिलता है उसके लिए उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों की वजह से हम लोग 1,00,000 सब्सक्राइबर्स की एक फैमिली बन चुके हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा क्या है, मेरा एक ओहदा है और मेरा एक अपना स्टैंडर्ड है, क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, चीज़ें समझाते हैं, तो उनका जो फीडबैक होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। सर आपकी उस वीडियो में आपने वो चीज़ बताई थी और वो चीज़ मैंने प्रैक्टिस में यूज़ करी पेशेंट के ऊपर और सर बड़ा अच्छा मुझे रिजल्ट मिला, तो ये जो फीडबैक है ना ये बताता है कि जो मैं वीडियो में कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये ना सिर्फ एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है बल्कि जो अपकमिंग यंग डॉक्टर्स हैं ना उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और इस चीज़ से मुझे तहे दिल से बहुत खुशी मिलती है, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मतलब जब शुरुआत में मैंने चैनल शुरू किया था तो जो शुरू से लोग मेरे संग जुड़े हुए हैं ना उसमें से एक
नाम मुझे ध्यान है अशोक सेन गुप्ता जी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम, लेकिन ही इज वन ऑफ द मतलब ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ होम्योपैथी। उन्होंने मुझे बहुत शुरू में कहा था कि द क्वालिटी जो आपकी है ना, वो मैंने बहुत लोगों में नहीं देखी, जबकि मेरे फैमिली में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके बावजूद भी, और मैं चाहूँगा कि आप इस क्वालिटी को फॉलो करें। तो आई होप कि मैंने इतने समय में उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए चीज़ें शेयर करी हैं। होता क्या है, देखिए बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सेक्सुअल कंप्लेंट्स की सर ये दवा बता दो, ऐसी दवा बता दो, वैसी दवा बता दो। देखिए मुझे किसी भी व्यक्ति को ना दवा बताने में कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम देखिए कहाँ आती है कि होम्योपैथी होम रेमेडी नहीं है। मैं आप सब लोगों को समझाना चाहता हूँ, मैं अगर कोई दवा बता दूंगा ना तो इट विल बी अ फॉर्मेलिटी, उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मरीज को मुश्किल से 10-20% भी आराम नहीं आता है। और देखिए इसी वजह से जो ऑनलाइन कंसल्टेशन का मेरा तरीका है ना लोगों के संग में, वो बहुत सिंपल है कि भैया प्रेस्क्रिप्शन ले लो, जहां से चाहो दवा खरीदो, मैं अपने पास से कोई दवा सेल नहीं करूंगा। आपको मेडिसिन नहीं मिल रही है अपने लोकल एरिया में, 1mg.com, healthmark.com, आप कहीं से भी मेडिसिन खरीदो, आई डोंट माइंड, मैं नहीं बेचूंगा दवाई। आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई एम अ डॉक्टर, है ना। जो डॉक्टर्स हैं और भी पैथी के डॉक्टर्स हैं वो सब प्रेस्क्रिप्शन देते हैं ना, तो फिर मुझे प्रेस्क्रिप्शन देने में क्या दिक्कत है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं आपके भले के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे कहीं से कोई कमीशन नहीं मिल रहा कि भाई मेरे को कुछ गलत काम करना पड़े, और आप मुझे इज्जत से कंसल्टेशन फीस मेरी दे रहे हैं, सो आई एम वर्किंग फॉर यू, है ना। तो ये जो मेरी सोच है ना, ये सोच बड़ी जरूरी है आजकल डॉक्टर्स के लिए, जो कि लोगों ने छोड़ दी है। ठीक, अब आप लोगों को लगता होगा लालची डॉक्टर है, हमेशा फीस मांगता रहता है, करता। अरे भैया मैं नहीं मांग रहा आपसे कोई भी फीस, मुझे कोई कंसल्टेशन फीस नहीं चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से मेरी ओपीडीज बहुत अच्छी हैं, बहुत पेशेंट्स हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, उनकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है वो ये कि देखिए मैं हर व्यक्ति को अगर दवा बता भी दूंगा ना, तो वो डिटेल जो चाहिए होम्योपैथिक दवा को प्रेस्क्राइब करने के लिए वो नहीं मिल पाती है। और हर कोई मरीज जो तकलीफ में है, परेशान है, उसे अगर मैं 15 मिनट दे रहा हूँ ना, तो कम से कम समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अपने दिल से सारी बातें जो है बता पा रहा है। तो मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आओ आओ मुझे ऑनलाइन दिखाओ, ऐसा नहीं है। द मेन पॉइंट इज कि आई वॉन्ट टू टेल कि भाई होम्योपैथी जो है ना, ये एक ऐसी साइंस है जिसमें आपको पेशेंट को बहुत ध्यान से सुनना होता है, समझना होता है, है ना। यहाँ दिक्कत होती है, मिराज भाई बार बार मैसेज कर रहे हैं, मेरी माँ हृदय रोग से पीड़ित है, सांस में कठिनाई है, छाती उत्तर चाप एंग्जाइटी डिसऑर्डर, अब सब इतनी सारी दवा ले रहे हैं। आपको सोचो हाइपरटेंशन की पेशेंट है, हाई लिपिडीमिया हाइपरलिपिडीमिया है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिनको हो चुका है, जैसा कि आप MI लिख रहे हैं, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कोई होम्योपैथिक दवा लेनी है। तो मिराज भाई इसका मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है, प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स। लेकिन देखो समझो, अगर आपकी मम्मी इतनी बुरी तरह से परेशान है, तो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए किसी के संग में बैठना पड़ेगा, उनकी रिपोर्ट्स डिस्कस करनी पड़ेंगी, तब दवा सेलेक्ट करके अगर हम एक या दो दवा सेट कर दें माताजी के लिए, तो उन्हें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। फिर भी लेकिन आप इतनी देर से मैसेज कर रहे हैं, तो सिर्फ आपकी माताजी के लिए मैं इतना बता दूं कि ऐसे केसेस में बहुत जल्दी रैंडमली कोई भी दवा सेलेक्ट नहीं हो सकती। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि होम्योपैथी से मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे केसेस में एक बहुत ही अच्छी दवा है, अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी माताजी को इम्प्रूवमेंट आएगा, और दैट इज प्योरली प्लेन लाइकोपोडियम। अगर आप सिर्फ लाइकोपोडियम 30 में एक बार सुबह शाम दे दें, ठीक है, और कुछ समय तक दें, तो उससे उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि जो उन्हें मल्टीपल कंप्लेंट्स हो रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक डीप एक्टिंग रेमेडी चाहिए जो कि बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाए। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा लाइकोपोडियम 30 दें, सुबह शाम दें, 15 दिन से ज़्यादा, या 15 दिन क्या मैक्सिमम 2-3 हफ्ते दे दें, इससे ज़्यादा ना दें। ढंग से जब तक बैठेंगे नहीं ना, रिपोर्ट्स शेयर नहीं करेंगे, पेशेंट की डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस के ऊपर बात नहीं करेंगे, ढंग से दवा सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। अब डिसूजा साहब कह रहे हैं, कैन यू एनलाइटन अस एज टू व्हेन यूफ्रेशिया आई ड्रॉप्स आर टू बी यूज इन व्हेन सिलेरिया ड्रॉप्स। ठीक है सर, ये इस पर आपने बोला तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए यूफ्रेशिया आई ड्रॉप्स बेसिकली आई इन्फेक्शंस की एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक आई ड्रॉप है, एंड सिलेरिया मेरिटेमा इज नॉट फॉर आई इन्फेक्शंस, इट इज बेसिकली कि जो इमैक्युलर डिजनरेशन है या एज रिलेटेड डिजनरेशन है ना, ARMD जिसको हम बोलते हैं, या जो कैटरैक्ट डेवलप करता है, वो सिर्फ उसके ऊपर जिसे कहते हैं ऑर्गेनो स्पेसिफिक रेमेडी है, उसका स्पेसिफिक एक्शन है कैटरैक्ट के ऊपर सिलेरिया मेरिटेमा का, वो कैटरैक्ट प्रिवेंट होने से बचाती है,
और कैटरेक्ट अगर किसी को हो गया है तो उसे वहीं का वहीं रोक के रखती है। पर यूफ्रेशिया इज अ वेरी गुड रेमेडी अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है और उसके बाद दिक्कतें आ रही हैं एंड यू नीड आई ड्रॉप, तो फिर यूफ्रेशिया एक बहुत अच्छी दवा है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के जरूर डालूंगा ताकि और लोगों को भी पता चल पाए। नितिन नरूला जी कह रहे हैं चेंज ऑफ सीजन में कफ के लिए कुछ बताएं। एक वीडियो देखिए नितिन जी, मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेशली फॉर कफ सिरप, उसमें मैंने 3-5 टाइप के, जहाँ तक आई रिमेम्बर, मैंने कफ सिरप बताए हैं कौन सी कंडीशन में कौन सा कफ सिरप लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ उसको ध्यान से सुन लेंगे तो ये कफ सिरप वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, मतलब खांसी वाली परेशानी सॉल्व हो जाएगी। दवा का सिलेक्शन सिम्टम के अकॉर्डिंग होता है कि भाई कितना ड्राई कफ है, स्पैस्मोडिक कफ है या लूज कफ है या बलगम किस तरह का है, उस तरह के हिसाब से होता है। लेकिन इन जनरल कोई भी अगर होम्योपैथिक दवा यूज करना चाहते हैं आप तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। वैशाली जी कह रही हैं गॉल ब्लैडर स्टोन कब तक ठीक हो सकता है, क्या सच में ठीक हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है? देखिए वैशाली जी, आई एम वन ऑफ द फ्यू डॉक्टर्स जो कि वास्तव में गॉल ब्लैडर स्टोन के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई एडमिट इट। और मुझे प्राउड फील इसलिए होता है कि देखिए जो भी पेशेंट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेरा पेशेंट जब नेक्स्ट टाइम फॉलोअप में मेरे पास आता है खुशी से बताता है कि मुझे वो इम्प्रूवमेंट आज तक नहीं आया है जो पहले आ जाना चाहिए था, जो आपके अंडर में आके आया, तो इसका मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, सही है। मैं अपने पास से कोई दवा नहीं भेज रहा हूँ, एक प्रिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ। पेशेंट की रिपोर्ट, गॉल ब्लैडर उसका अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट या MRCP की रिपोर्ट या उनकी लिपिड की रिपोर्ट, स्टूल की रिपोर्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट, एक पेशेंट की प्रोग्नोसिस के हिसाब से एक डाइट प्लान देना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं उन्हें देता हूँ। हर मरीज का डाइट प्लान थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि वो मरीज के हाइट और वेट के हिसाब से होता है। और देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं हर मरीज का गॉलस्टोन रिजॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हर वो पेशेंट जिसने मेरे से मेहनत करी है अपने गॉलस्टोन को रिजॉल्व करने में, उनका गॉलस्टोन रिजॉल्व हुआ है, रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने है। हर मरीज की रिपोर्ट शेयर नहीं करी जाती है, ये प्रोफेशनल सीक्रेसी होती है, मेडिकल एथिक्स के खिलाफ होता है। जो अलाउ करता है उसकी रिपोर्ट्स हम शेयर करते हैं। भाई अर्जेंटोनेटिकम 30 मेरे पास है। अरे ले लो भैया, इनमें 3 बार ले लो, जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी होती है तो अब आधे घंटे पे ले लो, पर 200 इज अ बेटर पोटेंसी फॉर यू, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। AMKR कह रहे हैं एज 45 पी का प्रॉब्लम है, क्या मेडिसिन ले सकता हूँ? ले लो जी डेमिया ब्लड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पर ऐसे पी की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराइए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बिलो एज के अकॉर्डिंग जो एक लेवल होता है उससे कम है तो फिर दवाई लेनी पड़ सकती है। थॉमस डिसूजा जी, आई मस्ट अप्रिशिएट आपके जो क्वेश्चंस हैं बड़े अच्छे हैं ताकि दूसरों की भी मदद हो पाए इससे, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉलंटरी यूरिनेशन एंड यूरिन इनकॉन्टिनेंस? यूरिन इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब रुक रुक कर आना, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर जाना, फीबल स्ट्रीम से आना, प्रॉपर स्ट्रीम ना बन पाना, दैट इज यूरिन इनकॉन्टिनेंस। एंड इनवॉलंटरी यूरिनेशन मीन्स विदाउट एनी कंट्रोल, या जब यूरिनेशन का जो कंट्रोल होता है ना वो लूज हो जाना, यानी कभी भी पेशाब निकल जाए, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, या सडनली यू हैव टू रश टू वॉशरूम, भागना पड़ रहा है और उससे पहले ही पेशाब निकल जा रही है, दैट इज इनवॉलंटरी यूरिनेशन, बहुत सीधी सी बात है। अंकित गंभीर जी कह रहे हैं माई फादर हैज टू वेक अप एट नाइट फॉर यूरिन, कैन यू सजेस्ट एनी मेडिसिन? आई फील लाइक सबल सेरुलेटा इज अ रियली फाइन मेडिसिन। अंकित अगर आप अपने फादर को देना चाहते हैं तो आप सबल सेरुलेटा का मदर टिंचर जो है वो एक बार 15 बूंद सुबह शाम के हिसाब से लगभग 3 वीक्स तक देके देखिए, इम्प्रूवमेंट जरूर आ जाएगा। सैयद तनवीर जी, ओ हेलो सैयद भाई, हाउ आर यू? इट्स बीन रियली लॉन्ग। आई होप कि आपके रमज़ान अच्छे चल रहे हैं, रोज़े आप अच्छे से रख पा रहे हैं और ईश्वर ने मौसम बहुत अच्छा करा रखा है एट सम प्लेसेस। सो पुराने लोगों से बहुत दिनों के बाद मिलो और सबके नेम्स देखो, तो कुछ नेम्स तो आई ऑलवेज रिमेंबर, बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों से मिलकर। एंड मैं आप सब लोगों से बस ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए आई डोंट नो कि आप कितने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को फॉलो करते हैं। एक बड़ा अच्छा सा कमेंट मेरे पास आया, आप डराते बहुत हैं वीडियो के ऊपर और आप ऐसा शो करते हैं जैसे होम्योपैथिक दवा नहीं जादू हो, और जबकि आपसे सीनियर डॉक्टर हैं वो सब चीज़ बता देते हैं, नुस्खे बता देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो देखिए सर, आप जो भी हैं और जो लोग मेरी इस वीडियो को लाइव सेशन को सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, नॉर्मल सा होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरा काम है लोगों को सिखाना, बच्चों को सिखाना कि भैया होम्योपैथी ऐसे प्रैक्टिस करी जाती है। ना तो मैंने यूट्यूब पर कमेंट में प्रेस्क्राइब करना सीखा है और ना मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाऊंगा,
मैंने मरीज को सामने से देखकर, उसका हाथ पकड़कर, उसकी रिपोर्ट देखकर, उसकी कंडीशन देखकर प्रेस्क्रिप्शन देना सीखा है। मैं सेल्समैन नहीं हूँ इसलिए दवा बेचनी नहीं आती है, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन देना आता है, मरीज जहाँ से चाहे दवा खरीदे। ये चीज मैंने सीखी है और मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। मुझे बाकी का नहीं पता लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन देखिए होम्योपैथी ऐसे प्रैक्टिस नहीं करी जाती है। आप किसी अच्छे उम्र डॉक्टर से मिलेंगे जो किसी भी उम्र का हो, कम एज का हो या ज्यादा एज का हो, अगर उसे होम्योपैथी से प्यार है ना, तो मरीज जैसे ही उसके चैम्बर में एंटर करता है ना, देख के पता चल जाता है कि क्या कंप्लेंट हो सकती है और कौन कौन सी दवाइयाँ चूज कर सकते हैं। एक टंग, एक जीभ देखकर, मरीज की आंख देखकर, मरीज के नाखून देखकर भी दवा होम्योपैथी की सिलेक्ट कर दी जाती है। तो देखिए पेशेंट से बात करके दवा देना मुझे आता है, ये यूट्यूब में कमेंट पर दवा देना नहीं आता है। प्लीज मेरी बात का बुरा ना मानिए, आप लोगों की मदद के लिए दवा बता देता हूँ, लेकिन कंप्लेंट्स इस तरह सॉल्व नहीं होती है। अब नरगिम भाई कह रहे हैं, सर मुझे वेरिकोसिल ग्रेड वन है मेडिसिन बताइए। बहुत सारी हैं भाई, आप ले सकते हैं, आप हेमोलिस 200 ले सकते हैं, रोडोडेंड्रोन ले सकते हैं, लेकिन आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर और आपकी कंप्लेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से चीजें प्रेस्क्राइब कर नहीं सकते, पर हाँ ये दो दवाइयाँ अच्छी हैं, आप लेना चाहें तो सुबह शाम ले सकते हैं कुछ दिन तक, बाकी फ्यूचर में क्या होगा वो डिपेंड करता है आपकी कंप्लेंट कैसी है। गोपाल जी कह रहे हैं नाइटफॉल चिपचिपापन पानी का इलाज। अरे भैया अगर नाइटफॉल हो रहा है और डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चेक कराइए, सीमन एनालिसिस कराइए, जो कमी आएगी दवा दे दी जाएगी। डेमिया प्लांट एक अच्छी दवा है, अश्वगंधा के संग में ले लीजिए, कुछ दिन इंप्रूवमेंट आएगा। वेरिकोस वेन्स होम्योपैथी से कम्प्लीटली ठीक हो सकता है, देखिए हो सकता है, लेकिन ग्रेड वन और ग्रेड टू वेरिकोसिल अच्छे से ठीक हो जाता है। वेरिकोस वेन्स जो मैंने कुछ पेशेंट्स में मदद करी है ठीक करने में, उन पेशेंट्स में ग्रेड वन और ग्रेड टू के बीच में था, इम्प्रूव करना आसान था, रिवर्स करना आसान था। एक बार अगर जो आपके वेरिकोस जो वेन्स होती हैं अगर वहाँ पे एंगोजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, एक लेवल के पार चली जाए, तो फिर रिवर्सल बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता है, लेकिन उनसे मेंटेन करके रख सकते हैं। और सैयद तनवीर भाई, इन केस ऑफ हार्ट अटैक व्हेन 3 आर्टरीज आर 80-90 ब्लॉक, व्हाट टू डू फॉर डिसॉल्विंग प्लेग। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ सैयद भाई, ऐसे केसेस में ना हमारी कुछ दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, जैसे कि आप केवल कोलेस्टेरोनम ले लेना तो वो भी एक अच्छी दवा है, लेकिन मैं आपसे फ्रेंकली बोल रहा हूँ, अगर 80-90% ब्लॉकेज हो रहा है और तो वहाँ पर अगर आप एक ये शोबे कंपनी का एक शायद पेटेंट आता है एज फॉर एज आई रिमेंबर, तो नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, एसेंशिया ओरिया, राइट एसेंशिया ओरिया, अगर आप एसेंशिया ओरिया ही यूज़ कर लेते हैं तो उससे कुछ हद तक पेशेंट मेंटेन रहेगा, लेकिन यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। होम्योपैथी के ऊपर मत भागिए, आप सर्जिकल इंटरवेंशन पे जाइए, जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक एसेंशियल ओरिया यूज़ करिए, इंप्रूवमेंट आता है। अगर हार्ट अटैक के चांसेस हो और आर्टरीज में ब्लॉकेज हो तो 50% ब्लॉकेज से लेकर 60% या 75% ब्लॉकेज तक के केसेस में सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट तो आता है, 50% से नीचे अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ पर होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। देवाशीष मजुमदार जी, आई एम सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, IBS, क्ले कलर्ड स्टूल। तो ठीक है भैया, आप जो भी दवा खा रहे हो देवाशीष जी, आई एम रियली सॉरी टू से, बट दिस इज नॉट हाउ आई प्रेस्क्राइब मेडिकेशन इन होम्योपैथी। और अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एंड IBS, आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आई नीड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द केस इन ऑर्डर टू प्रेस्क्राइब अ पर्टिकुलर रेमेडी। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इन केसेज ऑफ IBS विद क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, it's really important that a patient must understand the value of his diet, what he is eating, when he is eating and how he is eating, right? So these three things are if not answered carefully, then फिर patient को उतना improvement नहीं आता है। इधर neurology कह रहे हैं कोई medicine है homeopathy में जो vasodilator की तरह act करे। हाँ बहुत सारी है, ऐसा नहीं है, मतलब Lachesis is one of them, vasodilation अच्छा कर देती है, Rolfia भी बहुत अच्छी दवा है, vasodilation करती है, लेकिन depend करता है हम किस पार्ट पे यूज करना चाहते हैं। आर्निका इज ऑल्सो वेरी गुड वैसोडायलेटर। कामरान अली जी कह रहे हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए कोई अच्छी मेडिसिन बता दीजिए। सर देखिए कार्पल टनल सिंड्रोम में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, रूटा इज वेरी वन ऑफ देम, आर्निका इज वन ऑफ देम, लेकिन जो ट्रॉमेटिक रेमेडीज है ना, ये पेशेंट की वीडियो देखने के बाद, उसकी कंडीशन देखने के बाद प्रेस्क्राइब अगर करी जाती है तो उसकी डोसेज सही से सेलेक्ट हो पाती है, ऐसे नहीं। बिकॉज देखिए ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन और संग में प्रॉपर एक्सरसाइजेस बताना बहुत जरूरी है, इम्प्रूवमेंट तभी आएगा। होम्योपैथी अकेले जादू नहीं करती है, अगर आप ढंग से मैनेज कर रहे हैं केसेस को, उसके हिसाब से दवाइयाँ दे रहे हैं, तो निश्चित ही बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट आते हैं।
मैं फंगल इन्फेक्शन कैसे ठीक करें? आप सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन पर कोई भी ट्यूब या कोई भी क्रीम लगाना बंद करिए महक, आई वुड रियली रिकमेंड। और अगर आप फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा चाहते हैं तो ऐसा समझ लीजिए एक दीवार है, उसमें सीलन आ गई है। अब अगर सीलन आ गई है और तो जब तक आप सीलन के सोर्स को बंद नहीं करेंगे तो सीलन खत्म नहीं होगी, उसके ऊपर टाइल लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप उस पर कोई क्रीम ना लगाएं, आप नॉर्मल कोई भी पाउडर यूज करें, उसे ड्राई रखें, जितना ड्राई रखें उतना बेटर है। टेल्यूरियम इज अ वेरी गुड रेमेडी। आप टेल्यूरियम 30 अगर यूज करते हैं 2 times a day फॉर अबाउट 3 weeks इंप्रूवमेंट आएगा। रेस्ट डिपेंड्स कि आपके जो फंगल इन्फेक्शन है वो कितना ज्यादा है, उसका लुक कैसा है। प्रतीक कह रहे हैं नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने की दवा कालीफॉस एक्सेक्स, हाँ बिल्कुल लीजिए इसे, कालीफॉस एक्सेक्स इज अ वेरी गुड रेमेडी। आप जिनसेंग भी ले सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी है। गोपाल जी कह रहे हैं क्या होम्योपैथी से रोग को क्योर किया जा सकता है? गोपाल सिंह जी देखिए, रोग को ठीक करने, रोग को मिटाने के लिए एक डॉक्टर की ईमानदारी और एक मरीज का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें नहीं है तो आप होम्योपैथी के कितने भी बड़े डॉक्टर हैं या होम्योपैथी के कितने भी बड़े लवर हैं एज पेशेंट, मरीज ठीक नहीं हो सकता। मरीज ठीक करने के लिए दोनों चीजें जरूरी है, डॉक्टर शिद्दत से इलाज करे, ईमानदारी से इलाज करे, और पेशेंट जो है प्रॉपरली चीजों को फॉलो करे, तभी चीजें ठीक होती हैं। ऐसे सब जादू नहीं होता है होम्योपैथी में, है ना। धूमस जो कह रहे हैं डॉक्टर इज इट ट्रू दैट एनवी कैन बी गिवन टू परफेक्शनिस्ट, आई थॉट वाज आर्सेनिक एल्बम। देखिए सर, परफेक्शनिस्ट रेमेडी एनक्स वोमिका आर्सेनिक के अलावा और भी हैं, ठीक है। मैं रिपोर्टरी अगर खोल के बताऊंगा तो कम से कम 5-6 दवाइयां हैं जो कि बहुत अच्छी परफेक्शनिस्ट रेमेडीज हैं, लेकिन परफेक्शनिज्म किस लेवल का है ना, उसके अकॉर्डिंग दवा सेलेक्ट होती है। अंकित गंभीर कह रहे हैं आई हैव कफ फॉर लास्ट 1 week, कैन यू सजेस्ट एनी मेडिसिन? देखो अंकित, आप होमियो कफ या अल्फा कॉफ ऐसे करके कोई कफ सिरप यूज कर लीजिए, इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आई नीड डिटेल्स, कफ ड्राई है, कफ स्पैस्मोटिक है, कैसा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अल्फा कॉफ या ओमियो कफ में से कोई भी एक कफ सिरप ले रहे हैं, 3 times a day ले रहे हैं रेगुलरली, तो आपको इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। तो कम से कम महक जी थैंक यू, द प्लेजर इज ऑल माइन। देखिए थोड़ी सी सोच को अच्छा करना जरूरी है। होम्योपैथी एक बहुत अच्छी मेडिकल साइंस है, इसकी अपनी स्कोप है, इसकी अपनी लिमिटेशन है। हम बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, हम ये नहीं कहते कि भैया मैं बहुत महान डॉक्टर हूँ, लेकिन देखिए मेहनती डॉक्टर होना जरूरी है महान होने से। जब तक आप मरीज की बात नहीं समझेंगे, मरीज की बात नहीं समझेंगे, आप कितने ही बड़े डॉक्टर हों, आप पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपकी ये सोच है तो मरीज आपका ठीक होगा, ये सोच नहीं है तो ठीक नहीं होगा। अगर आप लोगों को लगता है मैं यहाँ पर YouTube पर आके बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि पर्सनली मुझे हॉस्पिटल दिखाने आ जाते हैं, इतनी इतनी दूर से आ जाते हैं, सुबह 2-2, 3-3 बजे के आके बैठ जाते हैं, 1:30 बजे तक मेरा इंतजार कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आए, बड़े खुश होके गए, लोग गले मिल के जाते हैं, धन्यवाद करके जाते हैं, पैर छू के जाते हैं, और सब किस वजह से, क्योंकि मैं YouTube पर आ गया हूँ और लोगों से मेरी रीच बढ़ गई है। तो कम से कम बहुत सारे समझदार लोगों को ये महसूस होगा कि हाँ भैया होम्योपैथी ऐसे ही करी जाती है। लोग दवाइयाँ लिखवा के ले जाते हैं मेरे पास से, सर ऐसा ऐसा हो जाए तो हम कौन सी दवा ले लें, या कभी ऐसा हो जाए मैं सब लिख के दे देता हूँ। तो देखिए सोच अच्छी होनी चाहिए। होम्योपैथी बहुत अच्छी डाइवर्सिफाइड साइंस है, बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती है, लेकिन जब तक पेशेंट की सोच और डॉक्टर की सोच अच्छी नहीं होगी ना, होम्योपैथी से पेशेंट को सक्सेस नहीं मिलेगा। एंड देर आर नो शॉर्टकट्स, प्लीज अंडरस्टैंड। आप लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं, शॉर्टकट्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट से केवल टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, उससे कोई क्योर नहीं हो पाता। पर जो मरीज अपनी ओपीडी में बैठकर, जो डॉक्टर अपनी ओपीडी में बैठकर मरीज देखता है ना, उसको वैल्यू पता है और डिफरेंस पता है कि पेशेंट ठीक कैसे करा जाता है और पेशेंट को शॉर्टकट के संग में टेम्प्रेरी सॉल्यूशन कैसे दिए जाते हैं। और जो मेरा ओहदा है, जब मैं पेशेंट अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ ना मरीज कैसे ठीक करे जाते हैं, तो वो शॉर्टकट वाला काम मुझे नहीं आता, मैं कर भी नहीं सकता। इसी वजह से अगर आप लोग मुझसे नाराज होते हैं ना कि कमेंट सेक्शन में आप जवाब नहीं देते हो या आप दवाइयां नहीं बताते हो, सो आई वुड रियली से आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ डॉक्टर। कोई और आपकी मदद कर पाए तो आप प्लीज उससे मदद लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये काम मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता। सो गुड नाइट टू थॉमस डिसूजा जी एंड टू एवरीबडी एल्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत दिनों के बाद एक लाइव सेशन था, अच्छा लगा आप सभी से बात करके। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है मैं YouTube पर आ रहा हूँ, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, वीडियोस की क्वालिटीज भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, वीडियो का साउंड भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, टेक्निकलिटीज़ भी सीख रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा कंटेंट हो ना वो लोगों की मदद करने वाला हो, और ऐसा कंटेंट हो, ऐसी दवाइयाँ बताई जाएँ
जिससे कि मरीज अगर शिद्दत से समझदार बनके उन दवाइयों को ले तो उसे इम्प्रूवमेंट है। ठीक, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट्स इट।